देखिए डब्बे का खेल जरा बंद करके एक नए एंगल पर प्रकाश डालते हैं, और वो नया एंगल है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता भी अब महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र जो ये शख्स दिख रहे हैं हमारे सामने, ये सारे लोग शिवसेना से जुड़े हुए हैं और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कहने पर यह आए हैं। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं साहब, और इनके नेतृत्व में ये सारे शिवसेना के लोग जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के अलावा इस यूपी चुनाव में 2022 में अपने उम्मीदवारों को लड़ाएगी, उसके कार्यकर्ता नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता भी श्रद्धांजलि देने आए हैं। बताइए किसके निर्देश पर आप आए हैं और कहां से? महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य ठाकरे जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम सब शिवसैनिक महंत जी के समाधि का दर्शन करने आए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का उत्तर प्रदेश से एक अटूट रिश्ता रहा है, एक नाता रहा है, और आदरणीय महंत जी जो आज हम सबके बीच में नहीं हैं, उनका भी स्नेह बाला साहब ठाकरे जी के साथ हमेशा बना रहता था। तो हम सब इस खबर से बहुत दुखी हैं। हम मुंबई से आज आए, हमने पहले लेटे हनुमान जी का दर्शन किया, उसके बाद महंत जी की समाधि पर आके प्रणाम किया। अपने का नाम क्या है और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है? मैं आनंद दुबे हूँ, शिवसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और प्रयागराज की धरती पर मैं आया हूँ। तो आप इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मूल निवासी? मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ लेकिन मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के निर्देश पर आप आए हैं, कितनी सदस्यीय टीम आई है? नहीं, आया तो मैं हूँ लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर स्थानीय शिवसेना की टीम बहुत ही मजबूत है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जिला प्रयागराज के, संजय कुमार दुबे। हाँ, जिला प्रयागराज के। क्या निर्देश मिला आपको महाराष्ट्र से? हमें निर्देश ये दिया गया है कि यहाँ पर के जा कर के सर के साथ महंत जी को श्रद्धांजलि दी जाए। पहले भी आते थे? हाँ, पहले भी आते थे, पहले कई बार हमारी मुलाकात हुई है महंत जी से। और बात ये थी कि तय सीमा के हिसाब से 10 तारीख को हमारे कार्यालय का उद्घाटन महंत जी के हाथों होना था, शिवसेना का। लेकिन देखिए एक नया पहलू है जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि वो सर्वदलीय थे, सर्व स्वीकार्य थे, सर्वग्राही थे। अखिलेश यादव से भी उतने ही अच्छे संबंध और योगी जी से भी उतने ही अच्छे संबंध, अमित शाह का भी पोस्टर साथ में, नरेंद्र मोदी जी का भी साथ में, मुलायम सिंह शिवपाल तो यहीं आकर रुकते थे। और अब देखिए एक शिवसेना का भी मामला आ गया है, हम उस पहलू पे प्रकाश नहीं डाल रहे थे लेकिन साफ कह रहे हैं कि शिवसेना के जिला कार्यालय का उद्घाटन करने महंत नरेंद्र गिरी जी को आना था। तो सभी दलों में जो बैठ थी और सभी दलों का उनके प्रति जो आस्था थी, ये उसी का बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप लोग भी आते थे? बिल्कुल, हम लोग बराबर आते। मैं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा। नरेंद्र गिरी जी महाराज से हमारे संबंध काफ़ी 20 साल पुराने रहे। महाराज जी से हमारी अक्सर मुलाकात होती थी और इसके पहले भी महाराज जी से हमने कई रामलीला कमेटियों का उद्घाटन करवाया, नव निर्माण भवनों का उद्घाटन करवाया, और अब की बार हमारी शिवसेना प्रयागराज इकाई का जो कार्यालय का उद्घाटन होना था वो भी महाराज जी ने 10 तारीख को निश्चित किया था कि हम 10 तारीख को उद्घाटन करेंगे। लेकिन देव योग के आगे किसी का नहीं चलता है, और महाराज जी के साथ जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय और इतना घृणित कार्य हुआ है, उसके लिए हम पूरी शिवसेना, उत्तर प्रदेश की शिवसेना, उस इस निंदनीय कार्य के लिए भर्त्सना करते हैं। भर्त्सना के अलावा भी कुछ करेंगे? भर्त्सना के अलावा हम लोगों ने अभी श्रद्धांजलि परेड किया है, और हम प्रशासन, शासन और पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग सैनिक की तरह कार्य करेंगे महाराज जी के प्रकरण में, जहां भी शासन, प्रशासन या पुलिस को हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। आसपास जो लोग मंडरा रहे थे, बहुत सारे सफेदपोश, बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता, जो दूसरी पार्टियों के नाम आपने प्रकाश में सुना होगा, कहीं घालमेल में वो शामिल थे कि नहीं? ऐसा है, प्रकाश हुआ कि महाराज जी के पास सभी लोग आते थे। अब महाराज जी के पास आने वाले लोग किस वृत्ति से आते थे, किस प्रवृत्ति से आते थे, ये हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों का जो कार्य करने का तरीका है वो सैनिक और सेना की तरह है। हम लोग, जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक दल यहाँ पर हैं स्थानीय स्तर पर, उनकी भी आस्था का केंद्र ये बाघम्बरी मठ रहा है। मोहम्मद मोइन, कुछ नई इनपुट्स जनता चाहती?
देखिए आपको एक अहम जानकारी ये दे दें, अभी अभी हमको यहाँ पर जानकारी मिली है कि जिस हिसाब से महंत नरेंद्र गिरी की संदेहास्पद हालत में मौत हुई जो है, तो कोई श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम नहीं हुआ था। श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आज निर्धारित किया गया है, आज शाम मेडिकल कॉलेज के जो ऑडिटोरियम है उसमें होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और संतों की तरफ से ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, जिसमें जो चाहे निरंजनी अखाड़े के संत हों, चाहे अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हों, जो भी प्रयागराज में संत महात्मा मौजूद हैं वो सब शामिल रहेंगे। संघ के लोग शामिल रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल रहेंगे, और जो प्रयागराज का प्रबुद्ध समाज है उन सबको बुलाया गया है। उस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी तकरीबन 600 लोगों की है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा रहेगा। वहाँ पर सिर्फ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा, एक बड़ी सी तस्वीर लगाई जाएगी महंत जी की, उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह ही ये कार्यक्रम तय किया गया, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं थी। तो एक बड़ी सी तस्वीर तैयार कराई जा रही है, वहाँ फूल रखे रहे बजे होगा ये शाम 5 बजे से, जो मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम है उसमें होगा। संघ की तरफ से होगा, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से होगा और साधु संतों की तरफ से होगा। तो कहा जा सकता है कि जो साधु संत हैं वही श्रद्धांजलि सभा के आयोजक होंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए सामूहिक तौर पर वहां पर प्रार्थना भी की जाएगी। तो ये एक अहम जानकारी, एक अहम जानकारी है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी है, क्योंकि अभी तक इस घटना के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया गया है। न बाघम्बरी मठ में किया गया है, न लेटे हुए हनुमान मंदिर में किया गया है, न निरंजनी अखाड़े में किया गया है। आज शाम 5 बजे मेडिकल कॉलेज के हॉल में, जिसकी क्षमता 500 से 600 लोगों की है, संघ, साधु संत और निरंजनी अखाड़े के तमाम वो लोग और प्रबुद्ध जन जो प्रयागराज मंडल और आसपास के जिलों से संबंधित इस मठ से रहे हैं वो मौजूद होंगे, और साथ ही साथ ये श्रद्धांजलि सभा पहली सभा होगी महंत नरेंद्र। चलिए बिल्कुल, देखिए जब महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने छानबीन की, मैं लौटती हूँ आपके पास।